नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिका। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा प्राइवेट विमान से गुवाहाटी से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पहुंचे। बता दें कि उम्मीदवार यशवंत सिन्हा गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर सभी विधायकों से अपने पक्ष में समर्थन मांगेंगे। 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में कांग्रेस राजनीतिक दल का एक अधिकारी जारी करने जा रही है, जिसके बाद पार्टी विधायकों को यशवंत सिन्हा के पक्ष में समर्थन करने के लिए निर्देशित करेगी। वहीं 29 लोकसभा सदस्य और 11 राज्यसभा सदस्य दिल्ली में संसद भवन में वोट डालेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतपेटी भी भोपाल पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामग्री को कड़ी सुरक्षा और निगरानी में विधानसभा भवन के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव का माना जाता है, वहीं शिव के भक्तों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को श्रावण मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा, करुणा, आशीर्वाद की हर घर आंगन में निरंतर वर्षा होती रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए उन्हें कोटिश नमन करते हुए लिखा कि राज्य की प्रगति और उन्नति के लिए आपके घनघोर श्रम और तप की पुण्य ज्योत के प्रकाश में हम सब राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए सतत कार्यरत रहेंगे। राष्ट्र के सच्चे सेवक परम श्रद्धे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि निष्काम कर्मयोगी और तपस्वी की भांति जो आपने राष्ट्र और समाज की सेवा की है, ये पुण्य प्रयास हम सबको सदैव अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भिंड जिले में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जो एसपी, कलेक्टर, मतदाताओं और राजनेताओं के सहयोग से पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, वहीं विधायक संजीव सिंह ने भी नगर सरकार बनाने के लिए वोट किया। आपको बता दें कि चुनाव संपन्न होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेते हुए भाजपा के विधायक संजीव सिंह कुशवा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भिंड नगर पालिका सहित जनपद और जिला पंचायत सभी तीनों फॉर्मेट में भाजपा के ही जिला अध्यक्ष होंगे। साथ ही कहा कि सभी जगह भाजपा का कब्जा होगा। हाँ, आज का चुनाव संपन्न हुआ और भिंड की जनता ने विकास के मार्ग को चुना है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, विकास करती है और जो कहती है वो करती है। तो निश्चित तौर पर भिंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुना, भारी बहुमत से उनको जिता के भेजेंगे और नगर पालिका में भी अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और भिंडी नहीं, सभी जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं सभी जगह भारतीय जनता पार्टी। छतरपुर में लगभग 10 साल पहले बरेठी सदनी ग्राम में निजी कंपनी ने विद्युत प्लांट के लिए किसानों की भूमि अधिकृत की गई थी। एनटीपीसी कंपनी ने किसानों के साथ किए गए वादे पूरे न करने का किसानों का आरोप है। बता दें कि कंपनी ने किसानों को फर्जी केस में फंसाने की और एफआईआर करने की धमकी दी, जिससे किसान भयभीत होकर कलेक्टर छतरपुर से अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकारें लाख वादे करें कि किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि बरेठी में एनटीपीसी स्थापित हो रही थी 2012 में और हम किसान लोग, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोगों से जमीन छुड़ाई जा रही है, जबकि उनने जो कहा था अपनी शर्तों को पूर्ण नहीं किया। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आज तक सुनवाई नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया, किसानों के लिए जो रजिस्ट्री हुई थी किसानों की दूसरी जगह पर उसके आज तक
मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव बुधवार को संपन्न हुआ, जहां पन्ना जिले के अमानगंज, गुन्नौर सहित पवई नगर परिषद के 15 वार्डों के पार्षद पद के लिए वोटिंग हुई, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय कुल 69 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनके लिए 8 से ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया। बता दें कि अब सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद कर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं आगामी 20 जुलाई को सभी के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। रायसेन जिले की 3 नगर पालिका और 5 नगर परिषद में मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान जिला मुख्यालय पर अधिकारियों ने मतदान किया, वहीं दूसरी तरफ मतदाता मतदान केंद्र में जागरूक दिखे। साथ ही बता दें कि नगर परिषद में कुछ वार्डों में 70% फीसदी तक मतदान किया गया। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण में रायसेन जिले के 8 नगरीय निकायों में पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने नगरीय निकायों में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की थी। बता दें कि कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल ने रायसेन, सांची, गैरतगंज सहित अन्य निकायों में पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने स्थल पर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के नागदा जिले के रहने वाले कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने अपने शहर नागदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया। वहीं आपको बता दें कि नागदा नगर पालिका परिषद का मतदान 71.25% हुआ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हुआ, जहां मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। आपको बता दें कि पवई में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देवरिया जिले के गांधी बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब छोटी बहन ने अपनी सगी बड़ी बहन को सब्जी काटने वाले चाकू से मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बहन मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसने किसी बात पर आवेश में आकर बड़ी बहन पर हमला कर दिया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को चाकू मारकर हत्या कर दी, जिस पर आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवरिया जनपद में लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लार कस्बे का मामला है, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला को अपने स्वयं के ही घर में वो उसकी सगी बहन द्वारा चाकू से मारकर घायल किया गया। बाद में इस महिला की मृत्यु हो गई। संबंध में लार थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार। कोरोना की लहर के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि 18 से 59 साल तक के लोगों को अब सरकारी सेंटर्स में मुफ्त में बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि देश भर में 15 जुलाई से शुरू होने वाले 75 दिन के विशेष टीकाकरण अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 से 59 साल तक के लोगों को कोविड वैक्सीन की मुफ्त प्रिकॉशन डोज मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोविड की बूस्टर डोज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये 75 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी का अमृत काल के मौके पर फैसला लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त में बूस्टर खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा
देश के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बीते दो दिनों में हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। भारी बारिश की वजह से अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पालघर, नासिक, पुणे और रत्नागिरी में 14 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं मुंबई के लिए अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 13 और 17 जुलाई के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ 16 और 17 जुलाई को छत्तीसगढ़, 13 से 16 जुलाई के दौरान उड़ीसा, 15 को कोंकण और गोवा, वहीं मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में भारी बारिश होने की स्थिति बन रही है। भगवान शिव को समर्पित करने वाला सावन का महीना शुरू हो गया है। सभी जगह शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान महाकाल का श्रावण मास के पहले दिन भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया। सुबह 4 बजे भस्म आरती के दौरान भांग और चंदन से श्रृंगारित कर सौम्य आकृति बनाई। वहीं भोले बाबा भगवान श्री महाकालेश्वर का राजा के स्वरूप अद्भुत श्रृंगार हुआ। उन्हें पुजारियों ने हल्दी चंदन आदि लगाकर श्रृंगारित किया। बता दें कि उज्जैन महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में खास है। दरअसल बाबा महाकाल दक्षिण मुखी हैं और दुनिया भर में भस्म आरती की परंपरा इसी मंदिर में निभाई जाती है। यहाँ हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकुमार साय ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति चुनाव की स्थिति बनी हुई है। हम द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज में उत्साह का माहौल है। हम उनके आगमन को इतिहास बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सभी वर्गों से निवेदन करते हैं कि सहयोग करें। भगवान को एक नया मैसेज देने का काम करेगा, वो केवल आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के सहयोग से, योगदान से द्रौपदी जी के आगमन को एक नया इतिहास बना देंगे, एक नया स्वरूप प्रदान कर देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता को रिझाने का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिसे लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने पूर्व मंत्री केदार कश्यप से खास बातचीत की। सुनिए। और पूर्व मंत्री केदार कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, पूरे क्षेत्र में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और केवल दिखावा में लगी हुई है। कांग्रेस के मंत्रीगण जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र में जाना छोड़ दिए हैं और लोगों से मिलना छोड़ दिए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार दावा कर रही है विकास का, इसको आप कैसे देखते हो? मैंने पहले ही कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जिस तरीके से वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज पर डंडे बरसाने का काम हो रहा है। 2 वर्ष पहले फरसगांव में धान खरीदी को लेकर के डंडे बरसाने का काम किया गया। देखिए, जो अजय चंद्राकर जी जी हैं वो हमारे नेता हैं, उन्होंने जो उनके ऊपर टिप्पणी की थी वो मंत्री के रूप में टिप्पणी की है, कोई आदिवासी समाज को नहीं किया है उन्होंने। और आज ये कहते हैं इस टिप्पणी पर आदिवासी समाज को बीच में लाते हैं, तो हमारे ये मंत्री जी तब कहाँ थे जब सुकमा में इतना बड़ा घेराव हो रहा था? ये थे पूर्व मंत्री कश्यप, जैसा कि इन्होंने खाद को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार खाद को पर्याप्त मात्रा में दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है खाद को लेकर उसमें घोटाला और इसको रोक नहीं पा रही है। कैमरामैन अजय। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप के बयान पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम हुआ है वे किसी से छुपा नहीं है, लेकिन 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्कूलों को बंद कर दिया गया, आश्रमों को, हॉस्टलों को बंद किया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उन सबको खोलने का काम किया है। डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम हुए हैं
वो किसी से छुपा नहीं है। आपने अपने समय में स्कूलों को बंद किया, आश्रमों को बंद किया, हमने खोलने का काम किया, तो कोई गलत किया क्या? आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं था कि स्कूल आश्रम छात्रावास को बंद करें। और भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद लगातार स्कूल और आश्रम खोलने का काम कर रहे हैं, तो ये तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बीजेपी के आईना दिखाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी 15 साल और कांग्रेस 3 साल के कार्यकाल के कामों को देख ले, हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं। बीजेपी के 15 सालों में किसानों का क्या हाल हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके समय तेंदूपत्ता के दाम में और आज के दाम में काफी अंतर है। ऐसी चीजों को भी बीजेपी सार्वजनिक करे और आकलन करे कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। खूब सोशल मीडिया में प्रसारित करें, हम भी खुली चुनौती देते हैं, खूब प्रसारित करें कि पिछले 15 सालों में किसानों का क्या हाल था और कांग्रेस के 3 साल में किसानों का हालत क्या है। एकदम करें, उन्होंने 15 सालों में कितना कर्ज माफी किया और हमने इन 3 साल में कितना, हमारा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने कर्ज। धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के आरोपों पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी बयान देते हैं और कभी वे अपने गृहबान में झांक कर नहीं देखते। जितनी बात वो कह रहे हैं अपने पिछले 15 साल का और अभी की रिपोर्ट उठाकर देखें। केवल हवा हवाई करने और सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करना सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी बयान देते हैं और कभी अपने गिरे बावे झांक के नहीं देखते हैं। जितनी बात वो बोल रहे हैं वो पिछले 15 साल में जब उनकी सरकार थी तब का रिपोर्ट और अब का रिपोर्ट दोनों को सामने रख के बात करें। केवल हवा हवाई बात करना और सुर्खी बटोरने के लिए बात करना। ग्वालियर के क्राइम और मुरार थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी पर 60 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज है। इतना ही नहीं, आरोपी की पत्नी पर भी 5,000 का इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी की भी तलाश शुरू कर दी है। ये 2016 में एक FIR रजिस्टर की गई, फरियादी अति सुंदर सिंह जो कि CP कॉलोनी मुरार के रहने वाले हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट की गई कि उन्हीं के एक परिचित हैं जिनके द्वारा ये बताया गया कि व्यवसाय में मुझे 50 लाख रुपए की आवश्यकता है और चूंकि मेरे अधिपत्य में जो मकान है आज़ाद नगर में उसका 1/4 भाग में आपको विक्रय करता हूँ, तो इनके द्वारा 4 किस्तों को 50 लाख रुपये दे दिए। लेकिन 50 लाख रुपये लेने के बाद वो व्यक्ति भाग गया, उसने कोई भी विक्रय पत्र संपादित नहीं किया। फरियादी अति सुंदर। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि अब चोर नेताओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी विधायक ननकी राम कंवर के घर का है, जहां चोरों ने खिड़की का कांच तोड़कर घर में घुसे और 80,000 रुपए का सामान चोरी करके ले गए, जिसके बाद बीजेपी नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जो विधायक कॉलोनी में है, थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत है, दिनांक 26/3/2022 से 5 जुलाई 2022 के मध्य उनके आवास में रखा हुआ एक LED सैमसंग का TV जो था, उसके अलावा कोई सामान नहीं था जो कि चोरी हो गया है। इस संबंध में सुशील अग्रवाल के द्वारा थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट की गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचन। रायपुर में 18 जुलाई को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें सावन के महीने में 2 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नगर निगम प्रशासन के अंदर आने वाले वार्डों के नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए निशुल्क पौधे दिए जाएंगे। इससे पहले रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि रायपुर वर्तमान में स्वच्छ शहरों में 6वें स्थान पर है, साथ ही इस अभियान से हर वर्ग और नागरिक को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन के द्वारा 18 जुलाई को एक बेहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान में आप सबको पता है कि हमारा देश
स्वच्छतम शहरों में हम छठवें स्थान पर हैं और फास्टेस्ट मूवीज कैपिटल के तौर पर भी हमें चिन्हांकित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MKN News। नमस्कार।